जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये जो आगे बता रही हूँ वो 12 काम तुरंत के तुरंत छोड़ दीजिए। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो अपनी जिंदगी के कीमती समय को, वैल्यूबल टाइम को बेकार चीजों और फालतू बातों पर बर्बाद कर देते हैं, या अपने डेली रूटीन में ऐसे काम करते हैं या ऐसी बातों पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टे उन्हें कभी कभी टेंशन का सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग बिना मतलब की बातों पर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते ही रहते हैं और भूत भविष्य की बातों में उलझे रहते हैं। बेमतलब या बेकार बातों या कामों के बारे में सोचने से या उन पर समय बर्बाद करने से न केवल टेंशन और तनाव मिलता है बल्कि अपनी खुशी और मुस्कुराहट भी आपसे दूर हो जाती है, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, जिंदगी को खुशी से जीना भूल जाते हैं। आपकी जिंदगी प्रभावित होने लगती है, परेशान होने लगते हैं आप, आपके सारे सपने अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज मैं आपको ऐसी ही बातों के बारे में बता रही हूँ जिनको आप अप्लाई कीजिए और अपने कीमती समय को नष्ट होने से बचा लीजिए। भूत भविष्य की बातों के बारे में सोचकर परेशान मत होइए, कोई भी चिंता मत कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों या बीती हुई बातें के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं, पुरानी बातों को याद कर करके रोते हैं या बीते हुए समय को याद करके अफसोस करते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ, हमने ये किया होता तो अच्छा रहता। उसी तरह हम भविष्य के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अब पिछला तो कुछ किया नहीं और आगे के लिए भी परेशान होते रहेंगे और ज्यादा स्ट्रेस लेते रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ वर्तमान खराब होगा। आपका पास्ट जो है वो बीत चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, इसलिए पास्ट की और फ्यूचर की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट टाइम पर फोकस करें और जितना हो सके वर्तमान में अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपना बेस्ट दें। फ्यूचर के बारे में सिर्फ अच्छी लाइफ जीने की और अपने सपनों को पूरा करने की प्लानिंग करें, उसके बारे में सोच कर परेशान ना हो। आज आप जो कर रहे हैं उसे मेहनत, लगन और ईमानदारी से करें, उसमें अपना बेस्ट दें। दूसरों से खुद की तुलना करना या फिर ईर्ष्या करना, जलन करना, किसी से खुद की तुलना करना आपकी खुशियों को चुरा लेता है। आप जिंदगी भर दूसरों से खुद की तुलना करके अपना समय नष्ट करते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलता है? उससे कुछ नहीं मिलता। हर एक इंसान की एक अपनी अलग जिंदगी है, एक अलग व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति आज जो कुछ भी है या जिस भी मुकाम पर है, अपनी मेहनत, सोच और काबिलियत या फिर खुद की वजह से है। वो आपसे बिल्कुल अलग है, आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, आपके जैसा भी तो कोई नहीं है। इसलिए अगर आज कोई आपसे बेहतर स्थिति में है या आपसे अच्छी जिंदगी जी रहा है तो उससे खुद को मत जोड़िए, खुद की तुलना उससे मत कीजिए, खुद की तुलना उससे करके अपने आप को परेशान मत कीजिए, दूसरों से जेलसी मत कीजिए, खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। हर उस चीज की ख्वाहिश रखना जो आपके पास नहीं है। कुछ लोग हर उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं या फिर सपना रखते हैं जिसे वो दूसरों के पास देखते हैं, लेकिन वो खुद के पास नहीं होती है। किसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए बेकरार होना या परेशान होना ये तो गलत है। एक बात ध्यान रखें, आप हर उस चीज को नहीं पा सकते जिसे आप चाहते हैं, और अगर पा भी नहीं सकते तो एकदम से, मान लीजिए आपने पा भी ली वो चीज, लेकिन एकदम से तो नहीं मिल जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो चीजें हैं भी नहीं जो आपके पास हैं। आज आपके पास जो भी है, जो भी कुछ है, उतना कुछ पाना भी बहुत से लोगों के लिए एक सपना ही है। आपके बराबर पाने के लिए भी बहुत से लोग दुआ मांगते होंगे। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहें। अगर आप किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होए, अपने आप को उस लायक बनाएं कि वो चीज आपको मिल जाए। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। हर एक इंसान की अपनी एक अलग जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है। आप हर किसी को या हर किसी की हर एक बात को पसंद नहीं कर सकते। उसी तरह आपकी हर एक बात या आपका हर एक काम हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, हेटर्स होंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे,
इसलिए हमेशा हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी खुशी ही खो देंगे। आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी ही जिए। आप जिस तरह से खुश रह सकते हैं वैसे ही रहें। कभी ये सोचकर परेशान ना हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये आपकी अपनी जिंदगी है, आप इसे जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं। हाँ, आपकी जिंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुश रहें, कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचें, जो आप पाना चाहते हैं वो सब हासिल कर लें, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। किसी को दुख पहुंचा के ऐसा काम मत कीजिएगा। सही समय का इंतजार करना। कुछ लोग किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सही समय का इंतजार होता है, और उस सही समय के इंतजार में वो काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता, और अगर शुरू हो भी जाता है तो काफी वक्त नष्ट हो जाता है बर्बाद करने के बाद में मिलता है। सही समय तो कभी आता ही नहीं है दोस्तों, वक्त का क्या पता, कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है। आप जिस काम को जिस समय पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से शुरू कर देंगे वही आपका सही समय होगा। सही समय का इंतजार सिर्फ समय को बर्बाद करना है और कुछ नहीं। इसलिए आप जो भी काम अपने सपने को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, या आप जो भी काम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं, उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। सही समय का इंतजार मत कीजिए। अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर परेशान होना, आप अभी तक किसी चीज को हासिल नहीं कर पाए या अभी तक आप कुछ बन नहीं पाए, तो आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। समस्याएं परेशानियां सभी के साथ लगी रहती हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए हर किसी को अपनी जिंदगी में संघर्ष करना ही पड़ता है। समस्याएं परेशानियां संघर्ष जिंदगी का एक हिस्सा ही है। ये ही सब सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए समस्याओं से घबराए नहीं बल्कि इनका डटकर सामना करें और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना ये आदत सही नहीं है। इस आदत को अपने बदलिए। किसी को दुखी मत कीजिए, गलत राय मत बनाइए, गलत चीज मत बोलिए। किसी बात को लेकर डरना, अगर आप किसी भी बात को लेकर डर रहे हैं, कभी भी किसी भी काम में या किसी बात से आपको डरना नहीं चाहिए। डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं, आप सही कर रहे हैं इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। समस्याओं से दूर भागना, आप समस्याओं से कभी दूर नहीं भाग सकते। आप मुसीबतों से, समस्याओं से जितना दूर भागेंगे आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसलिए लाइफ है, समस्या तो आती ही रहेंगी, इनसे दूर मत भागिए, इनका सामना कीजिए। नकारात्मक लोगों की संगत में रहना, जो लोग आपकी हर बात में नुक्स निकालते हों, जो आपके हर काम में बुराई ढूंढते हों, जो लोग आपके हर काम में नेगेटिव बात करें, ऐसे लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जो लोग आपके सपने को ना समझ पाएं, जो लोग आपको ना समझ पाएं, ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत छोड़ दीजिए। 11वां काम है ख्याली पुलाव पकाना, टू डे ड्रीम्स। कुछ लोग हमेशा ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं। वो सपने तो काफी बड़े बड़े देख लेते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगा, लेकिन असलियत में करते कुछ भी नहीं है, या जब कुछ करने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें सोचना या बड़े बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको पूरा करना भी आपको आना ही चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लापरवाह होना, जिम्मेदारी को न समझना। किसी भी काम में लापरवाही अंत में आपका नुकसान ही करेगी। आप अपनी जिंदगी के जिस भी काम में लापरवाही करोगे उसमें आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, चाहे वो काम आपका डेली रूटीन हो, रिलेशन हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, या कुछ भी हो। रिश्तों में लापरवाही करोगे तो रिश्तों में दरार आ ही जाएगी। पढ़ाई में लापरवाही करोगे तो फेल हो जाओगे। नौकरी में लापरवाही करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा या नौकरी भी जा सकती है। तो ऐसी ये 12 आदतें हैं जिनको आपको छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इमीडिएट ही छोड़ दीजिए, देखिए फिर जिंदगी में कैसे सफल होते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए।